नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। शुरू करते हैं आज की सिटी अपडेट। पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीन पर जबरन कब्जा करने और पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा करीब 10 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से पीड़ित ओम प्रकाश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। पीड़ित ओम प्रकाश ने जांच अधिकारी पर आरोपी पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपियों ने उनकी जमीन पर खोखे रखकर कब्जा किया हुआ है। बता दें कि पुलिस ने गांव कुसलीपुर निवासी ओम प्रकाश की शिकायत पर कब्जा करने वाले 7 नामजद लोगों के खिलाफ 3 मार्च 2021 को मुकदमा नंबर 137 दर्ज किया था, जिसके अनुसार रकबा नंबर 88, 89 और 8 पर मालिकाना हक ओम प्रकाश व गांव के ही मुकेश चंद, हरिदत्त, हरिचंद व ईश्वर का है। जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पर कैंप थाना SHO ने दोनों पक्षों को बुलाया था। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अधिकारियों ने जांच में पाया था कि जमीन पर पीड़ित पक्ष का ही मालिकाना हक है। इतना ही नहीं, जज वीरेंद्र प्रसाद की अदालत ने भी ओम प्रकाश व अन्य के हक में फैसला किया था, जिसकी प्रतिलिपि जमाबंदी NHI का लेटर भी संलग्न है। हल्का पटवारी और तहसीलदार ने भी रिपोर्ट पीड़ित के पक्ष में ही कार्रवाई के लिए की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पीड़ित ओम प्रकाश का कहना है कि पुलिस जांच अधिकारी की मिलीभगत के कारण आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द कब्जा हटाया जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं कैंप थाना के जांच अधिकारी रणजीत सिंह ने मिलीभगत के आरोप को गलत बताया। कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है कि कब्जाधारी पीड़ितों की जमीन पर बैठे हैं या नगर परिषद की। रिपोर्ट मिलते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।